हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। आज काफ़ी दिन बाद हम बात करेंगे रियलमी नाजो 50A की अनबॉक्सिंग करेंगे। इसकी मैंने एक शॉर्ट वीडियो क्लिप्स मैंने यहाँ पे वीडियो पे डाली थी, तो आपने उसको काफ़ी ज़्यादा प्यार किया। अब इसके बात करेंगे फुल रिव्यू के बारे में, क्या क्या इसके अंदर फीचर वगैरह है, तो इसमें फुल बात करेंगे। तो आइए इसका फुल रिव्यू करते हैं। तो हमने बॉक्स ओपन कर चुके हैं, वो देखते हैं इसके साथ क्या क्या आया है। तो यहाँ पर है एक सिम इजेक्टर टूल, तो ये हमारा मोबाइल, इसको हम थोड़ा साइड में रखते हैं। इसमें हम बाद में इसके पूरे फीचर के बारे में बात करेंगे। तो देखते हैं जो इसका चार्जर, काफ़ी बड़ा अडैप्टर दिया गया, तो 18 वोल्ट का यहाँ पे अडैप्टर दिया गया इस फ़ोन में। और बात करेंगे केबल की, तो यहाँ पे सी केबल हमें यहाँ पे प्रोवाइड की गई है। ये देखिए टाइप सी पोर्ट है इसका, और ब्लू कलर में मैंने मंगाया है ये। तो इसमें एक आपको ग्रीन कलर भी देखने को मिलता है, लेकिन मैंने ब्लू कलर मंगाया, तो इसमें ब्लू कलर में आपको एक अच्छा काफ़ी अच्छा पैटर्न यहाँ पे देख पा रहे होगे आप। यहाँ पे एक काफ़ी अच्छा पैटर्न जो है नज़र आ रहा है फ़ोन पे। कैमरा की फिंगरप्रिंट की आप बात करें, तो देखिए फिंगरप्रिंट का जो कैमरा वो उसी के अंदर दिया गया अलग से, मतलब तभी मुझे काफ़ी अच्छी इसकी लुक लगी। मैं तो जो साइड में हम देखते हैं तो थोड़ा अजीब भद्दा सा लगता है, लेकिन आप इसमें पूरा कवर दे दिया तो पूरा एक जो बैक है ना वो पूरा प्लेन लग रहा है। देखिए यहाँ पे फिंगरप्रिंट ऊपर पूरा प्लेन है। यहाँ पे साइड की बात करें, यहाँ पे एक सिम इजेक्टर के लिए एक बॉक्स दिया गया, नीचे 3mm का जैक है और टाइप सी पोर्ट। स्पीकर इसमें आपको एक देखने के लिए मिल जाता है, स्पीकर अगर दो होते तो काफ़ी अच्छा होता, साउंड और ज़्यादा बेस्ट हो सकती थी। इसमें जो बैंड ऐप्स है वो इसमें एक भी नहीं है, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया जो है बैंड ऐप्स को हुए। और अब इसके अबाउट में जाके देखते हैं क्या क्या इसमें अबाउट में दिया रहा है। तो अबाउट में जाके बात करें, तो देखिए यहाँ पे दिया गया कि 4 128 GB में, ये वैसे पड़ता है आपको 12,500 के आसपास का, लेकिन मैंने जो मंगाया ये तो 10,098 रुपये के आसपास मंगाए, क्योंकि सेल में कार्ड वार्ड का डिस्काउंट लगा के मुझे काफ़ी ये कम प्राइस में मिला है। तो भाई देखिए कुछ में जो ब्राइटनेस है, अगर आप फुल कर देते हो तो मैं देखे, अगर जो बिल्कुल लो कर देते हो ये नहीं है, जो पूरा स्क्रीन ब्लैक हो जाती है, तो ये मुझे काफ़ी अच्छी बात लगी इसकी। तो काम बढ़िया कर रहा है, कलर शेडिंग काफ़ी अच्छी है। और अभी बात करेंगे इसमें सिम इजेक्टर टूल के, देखते हैं इसके अंदर क्या दिया गया। तो आई थिंक रियलमी में जितना भी है डबल सिम और साथ में एचडी कार्ड का स्लॉट होता है, मेरे रियलमी 3 प्रो में भी है ये। तो हाँ जी, इसमें देख रहे हो आप, इसमें 2 सिम और 1 SD कार्ड साथ में डाल सकते हो, काफ़ी जिससे जो है स्पेस जो है ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है हमारा। तो बैटरी बैकअप की बात करें, तो बैटरी काफ़ी अच्छे 6000 mAh की इसमें बैटरी गई है, तो जो पकड़ने में थोड़ा सा हैवी है क्योंकि बैटरी ज़्यादा बड़ी दी गई है। बैक कैमरे की बात करें, तो बैक कैमरा इसका 50 MP का है। फ्रंट कैमरे की जो नोच की बात करें, वो है हमारे 8 MP की। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जो दबा देना, ताकि आने वाली की लेटेस्ट वीडियो का आपकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।